भैया पैसा तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, सोता हूँ तब भी आता हूँ, जागता हूँ तब भी आता है, दिन में आता है, रात में आता है, काम करूँ तो भी आता है, नहीं करूँ तो भी आता है, सोते सोते भी आता है, नींद में भी आता है, हमेशा आता है। तथास्तु, ये बोलना है, ऐसे नहीं ओ लखनऊ में प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना रुपया खर्च हो रहा है, लखनऊ में प्रोग्राम ही नहीं करना है। इधर राकेश जी ने कहा, सर मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैंने कहा मैं पैसा खर्च करने को तैयार हूं। लेकिन राकेश जी ने कहा, सर डोंट वरी, पैसा भी पहले मैं लगा देता हूं, आप बाद में दे देना। दोस्तों दिस इज पावर, ये ग्रेविटी है, हर जगह हमारे जहां प्रोग्राम हो रहे हैं, देखिए इतने साल जो मेहनत की उसके बेस पे जहां पे भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं वहां पे कोई ना कोई दूसरा आदमी पैसा लगाने को तैयार हो रहा है। वो कहते हैं सर आप तो प्रोग्राम करवा के बाकी हम कर देंगे, आप तो प्रोग्राम करवा के हम कर देंगे। दोस्तों मैं आपको एक लाइन में लास्ट बताना चाहूंगा, जब शुरू किया था मैंने अपना 2002 में नौकरी, 1200 रुपए महीना कमाता था, फिर 3000 रुपए महीना, फिर 5000 रुपए महीना, फिर 11, फिर 18, फिर 30, 30 से 35, अमीर और गरीब बनने का पूरा आज डिफरेंस आपको बता के जाऊंगा। और मैं वादा करता हूँ इस स्टॉक से, जैसे 2007 में मैं अपनी जिंदगी को बदल पाया एक स्टॉक से, इस स्टॉक से मुझे नहीं पता कितने, लेकिन कम से कम एक आदमी तो 100 करोड़ पे चला जाएगा अगले 5 से 10 सालों के अंदर, गारंटी है, ये गारंटी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉक्स जब मैंने सुनी तो पिछले 10 सालों में मैंने कमाया है 75 करोड़ रुपए। ऑलराइट, उसके पहले जब मैं अपनी फिक्स्ड माइंडसेट में था, 2002 में मैंने पहली नौकरी शुरू की और 2010 मई तक मैंने अपनी आखिरी नौकरी में मैं था, इन इतने सालों में मिलके मैंने सिर्फ पता है कितने रुपए कमाए, पूरे सब सालों में मिलके सिर्फ 25 लाख रुपए, और उसमें भी 0 मेरा प्रॉफिट बचा क्योंकि 25 के 25 लाख रुपए सारे खर्च हो गए। 1 रुपए की एसेट नहीं थी, 1 बिल्डिंग नहीं थी, 1 लैंड नहीं थी, 1 कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, गाड़ी के नाम पे एक अपनी होंडा यूनिकॉर्न बाइक थी, वो भी अपन ने 2000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में ली थी। ये 2002 से 2010 की कहानी थी, जब अपना दिल फॉलो करने लगे, 2010 को नौकरी छोड़ा और उस चीज पे काम करने लगे जो हमें दिल से प्यारी है, वो चीज पे काम करने लगी जो हमें करोड़ों दिला सकती है, उस चीज पे जब हमने काम करना शुरू किया जो चीज हमें सच में हजारों लोगों से मिलवा सकती है, तो 2010 से लेके 2022 तक 75 करोड़ रुपए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और इस 75 करोड़ में से 20 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी। दोस्तों इतना फर्क पड़ता है, ये भी कम है। अब अगले 10 सालों में मेरा टारगेट है ये 75 करोड़ नहीं हो, कम से कम 750 करोड़ हो अगर, और हो जाएगा दोस्तों। तथास्तु, 750 तो मैंने कम बोल दिया शायद, प्रॉब्लम मेरी यही है, कम बोल देता हूं कभी कभी। हाँ सर कम बोल दिया, सोचा था मर्सिडीज आएगी, मर्सिडीज ही आई साला, उस दिन बोल देता रोल्स रॉयस आएगी तो रोल्स रॉयस आती ना, तो अब आएगी रोल्स रॉयस, 12 जनवरी 2030 रोल्स रॉयस मेरे साथ होगी। उससे पहले भी ले सकते हैं, उससे पहले भी ले सकते हैं रोल्स रॉयस, ऐसी बात नहीं है, 12 जनवरी 2026 27 में भी ले सकते हैं, लेकिन अब बेवकूफ़ी कम करूंगा, गाड़ी घोड़े पे इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे, अब एसेट्स बिल्ड करने पे खर्च करेंगे, इसीलिए 12 जनवरी 2030। और 12 जनवरी 2030 का इन्विटेशन है आप लोगों को, 12 जनवरी 2030 को जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, नरेंद्र मोदी ऑडिटोरियम सूरत में है या कहाँ है, अहमदाबाद में है, जहां पे भी है, 12 जनवरी 2030 पे 1 लाख लोग बैठे होंगे हॉल में, हर सीट का प्राइस होगा करीब 10,000 से 25,000-50,000 के बीच में, आज ही टिकट एडवांस में बुक कर लेना, क्योंकि उस दिन 1 लाख लोगों को भी टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि तब तक हम 50 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल चुके होंगे, तो इतने लोग वहां आएंगे, बड़े से बड़ा दुनिया का लीडर मेरे साथ स्टेज पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी, एडवांस में बोल रहा हूँ, ये मेरा गोल है। मैंने क्या बोला, 3 चीज, गोल बना लो, डिस्ट्रैक्शन को जीरो कर दो, एंड तीसरी चीज मैंने कहा, नंबर वन से कम सोचना नहीं है, सोचोगे तुम मिलेगा। दोस्तों इतनी पावर जनरेट होती है सोचने में, इतनी ताकत जनरेट होती है। मैं पहली बार जब गया और पहली बार मैंने कई सारे कॉलेजेस में बात करना शुरू किया, तो मेरे को रियलाइज हुआ भयंकर डिस्ट्रैक्शन, जब मैं पहली बार गया और मैंने हर उस इंसान से बात करने की कोशिश की जो कि मेरे जैसा था और मेरे जैसा है, मैंने देखा लिमिटेशन है बहुत सारी, हजारों गुना लिमिटेशन। आपने कहा, मैंने कहा गोल सेट करो, मैंने कह दिया आपको 12 जनवरी 2025 रोल्स रॉयस आएगी, 12 करोड़ रुपए की कार आएगी,
ये मैंने मान लीजिए एक छोटा गोल सेट कर दिया, ये गोल तो बहुत पहले पूरा हो सकता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये छोटा गोल सेट कर दिया और पब्लिकली बोल दिया, लेकिन ये सोच लाने के लिए कि 12 करोड़ की कार में आप घूमोगे, 12 करोड़ की कार को सपोर्ट करने के लिए बैकग्राउंड में 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, करेक्ट और नॉट? उतने नौकर होने चाहिए, रोल्स रॉयस ऐसे लेके बाहर नहीं निकल सकते आप कि सड़कों पे चला ली, उसके पीछे एक एस्कॉर्ट की गाड़ी होनी चाहिए, उसके आगे एक एस्कॉर्ट की गाड़ी होनी चाहिए, ताकि उस गाड़ी के पीछे से कोई ना मार सके, आगे से कोई ना मार सके। रोल्स रॉयस लेके बाजार में ऐसे नहीं, उसके लिए दो दो चार चार बॉडीगार्ड होने चाहिए, उसके लिए इन बॉडीगार्डों को और इनको सबको रखने के लिए अलग से इनके लिए घर वर होने चाहिए, ये 24 घंटे मैं कहीं फ्लाइट में जाऊं तो अकेला नहीं, इनके लिए भी रूम बुक करने पड़ेंगे, मैं कहीं ये ना होटल में जाऊं तो इनके लिए भी अलग से दूसरी होटल्स बुक करनी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ी काम चलेगा, बहुत बड़ा तामझाम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अगर गोल है तो इसका मतलब ये गोल 12 करोड़ का नहीं है, ये 100 करोड़ का गोल है, कम से कम ये 100 करोड़ का गोल है, ये राइट कैलकुलेशन आना। रोल्स रॉयस खरीदने में तो कई खरीद लेंगे, एक बार खरीद लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए, पेट्रोल भी नहीं डला पाएंगे, उसको घर भी नहीं निकाल पाएंगे। भैया रोल्स रॉयस खरीदना टारगेट नहीं है, उसको सस्टेन करना टारगेट होना चाहिए, ये गोल होना चाहिए, ऐसा गोल होता है। ये रोल्स रॉयस खरीदना भाई, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई चूड़ी चढ़ाता रहता है तुमको, बोले रोल्स रॉयस खरीदो। एक नेटवर्क मार्केटिंग का एमवे का बंदा आया, सर मैं लीडर हूं सर, मेरे नीचे 45,000 लोगों की टीम है सर, बट सर आपको सच्चाई बताना चाहता हूं सर, सब बिक गया सर, सर चेक तो बहुत आए लेकिन सर दिखावे में सब चला गया सर, सर दिखाना पड़ता है स्टेज से, मैंने BMW खरीदी सर, सारे के सारे लीडर जब जैसे ही हमारे अकाउंट में 50 लाख आता है बोलते BMW खरीद बे, पूरा पैसा खर्च करवा देते हैं, फिर 5-स्टार होटल में घूम बे, पूरा पैसा खर्च करवा देते हैं, फिर तू 3-4 कंट्री घूम के आओ, लोगों को बता देख तेरी लाइफस्टाइल क्या हो गई, आज तो मैं 7-स्टार में घूमता हूँ, आज ऐसी कंट्री में घूमता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। दोस्तों दिखावे में ही नेटवर्क मार्केटिंग वाले मर जाते हैं आधे से ज़्यादा। ऐसा कोई अपलाइन को फॉलो मत करना जो बोले BMW खरीद, उसको बोलना सर आप खरीदो आपकी BMW, आपको मुबारक, मैं तो 50 करोड़ आने के पहले नहीं खरीद रहा सर, मुझे बिजनेस सस्टेन करना है, मुझे बिजनेस बनाना है, मुझे सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है सर, मुझे फालतू की चीजें छूशा नहीं करनी है। लेकिन प्रॉब्लम है तुम्हारा एनवायरमेंट ऐसा होता है जिसमें छूशा, और यही रीजन है 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में है बिजनेस बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी खड़े नहीं हो पाते, बहुत शूशा करने के लिए। मेरे पास आज तक एक भी नेटवर्क मार्केटिंग वाला ऐसा नहीं आया जिसने कहा मेरी तो 2 ही लोगों की टीम है, सब कहते हैं मेरी 10,000 की टीम है साहब, मेरी 15,000, मैं उनके जूतों की तरफ देखता हूँ और फिर समझ जाता हूँ कि 10,000 की है या 15,000 की है, मैं उनके बात करने का तरीका देखता हूँ और समझ जाता हूँ, मैं उनका टाई देखने का पहनने का तरीका देखता हूँ और समझ जाता हूँ, मैं उसका सूट का क्वालिटी देखता हूँ और समझ जाता हूँ। 10,000 लोगों की टीम का मतलब क्या है? 10,000 लोगों की टीम जिस दिन मेरे पास हो गई ना, उस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा शायद पैसे वाला आदमी बन सकता हूँ मैं, इतनी पावर होती है 10,000 लोगों की टीम में। तो दोस्तों आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए मैं कुछ चीजें आपको अभी इसी वक्त बता रहा हूं। सबसे पहली चीज जो आपको इंस्टेंटली करनी है, आपको कोच लगा लीजिए और सीखना शुरू कर दीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट। आप कहोगे सेल्फ डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि अगर मैं आप में से कोई भी इंसान यहां पे बैठा हो, अगर मैं आपको कहूं ना अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दो, मैं गारंटी देता हूं कोई भी इंसान वर्ल्ड क्लास नहीं दे पाएगा। कोई कहेगा ना सर मैं वर्ल्ड क्लास दूंगा, आप कितना भी बढ़िया दो मैं आपको आप ही का प्रेजेंटेशन आपसे बिना पूछे आपसे बढ़िया दे के दिखाऊंगा। दोस्तों क्योंकि ये सेल्फ डेवलपमेंट से आता है, ये एटीट्यूड नहीं, सिर्फ इससे नहीं मैं करूंगा 100 करोड़, इससे नहीं आता, ये सीखने से आता है। 100 करोड़ करने के लिए 3 चीजों का समागम होना चाहिए, 3 नहीं 5 चीजों का, के यानी नॉलेज होना चाहिए, एस यानी स्किल होना चाहिए, एस यानी नई नई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 100 करोड़ कमाने के लिए, ए यानी एटीट्यूड होना चाहिए, एंड एच यानी वर्ल्ड क्लास हैबिट्स होनी चाहिए। इज दैट ट्रू नॉट? मैं देखता हूं कई लोगों में मैं करोड़ों कमा लूंगा। अरे क्या हलवा है क्या, ऐसे ही कमा लेगा?
कैसे कमा लोगे 10,000 करोड़? What will you actually do? What is the plan? Plan क्या होता है सर? हम तो जोश से कमा लेंगे सर, हम चीख चीख के कमा लेंगे सर. Where is the plan? मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोगों के पास 8,500 करोड़, 8.5 करोड़, 3 साल में आपने कहा मुझे कमाना है? कितने लोग सीरियस से कमाना चाहते हो? कमान टेल मी, कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, मैं कहता हूं कितने लोगों के पास प्लान है पेपर पे प्रॉपर डिटेल्ड? ऐसा मोटा मोटा नहीं, मैं इस कंपनी में हूं, इस कंपनी में मैं अभी, अब मेरी 100 लोगों की टीम है, फिर मेरी 10,000 लोगों की टीम हो जाएगी, मैं कमा लूंगा. नहीं, नहीं चलेगा ये प्लान. ये प्लान ही नहीं है, ये सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग है. और मैं नहीं कह रहा कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए. पॉजिटिव थिंकिंग से मैं चला जाऊं बॉर्डर पे, साला सब पाकिस्तानियों को मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मैं भी गदर की तरह इसको भी उठा के फेंक दूंगा. जाओ फेंको उधर जाओ तो सही, समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ तुम्हारे साथ. गदर के सनी देओल बन के सब लोग घूमते हैं, हैंडपंप उखाड़ेंगे, दहाड़ेंगे, वो पीछे हो जाएंगे, मुद कांप जाएगी, धरती फटने लग जाएगी. अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, वो फिल्मों में होता है. क्या प्लान है 10,000 करोड़ का? क्या प्लान है 8.5 करोड़ का? क्या प्लान है 500 करोड़ का? हम हिंदुस्तानियों के पास कोई प्लान नहीं होता, हम तो सिर्फ पॉजिटिविटी से घूमते हैं, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा. तो दोस्तों मेरे साथ बोलिए, आई वॉन्ट टू मेक अ प्लान, बिकॉज ओनली प्लान कैन मेक 8.5 करोड़. प्लान है तो पावर है. जिसके पास कोई प्लान नहीं है उसके पास गारंटीड प्लान है एवरेज बने रहने का.